सारा जांचा चल रही है, लखनऊ मेडिकल कॉलेज दिखाया है, ये सब हमारे पास प्रूफ है। इस तरह से दारू पी पी के चौके इंचार्ज रिठौरा रपटा रहे हैं हमको, ये हमको बहुत ज्यादा परेशान। उसमें आचार्य थोड़ी लगा पत्रकार, मैं हटा रहा तो नहीं हट जाता, आचार्य थोड़ी हटा अपने भाई खड़ा हूँ। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सर ततीर खां है। क्या मामला है पूछा बताइए। मामला ये है सर, ये 7 साल पहले महिलाओं ने जनलक्ष्मी से जो है लोन लिया था 28,000 रुपए, उसकी लिमिट थी 2 साल के अंदर जमा कर देना, तो 2 साल में सभी ने जमा कर दिया, कोई उन्हें रसीद नहीं दी। बाद में कहा जब तुम्हारा फुल पेमेंट हो जाएगा तो आपको एस्टीमेट बना के दे जाएंगे। अब वो लोग बदल बदल के आ रहे हैं, होम कार्ड को कभी लाते हैं, कभी रिठौरा चौकी इंचार्ज को, अज्ञात में सिपाही जानते नहीं है कौन कौन आते हैं। फिलहाल चौकी इंचार्ज साहब ने हमें शाम बुलाया कि ततीर भाई ऐसा करो कल 11 बजे आप आ जाओ, और लोगों से ये मत कहो पैसा देना नहीं पड़ेगा, सबसे रुपए दिलवा दो, और आप जो है आप उन लोगों को बुला लेंगे, समूह वालों को, आप बात कर लेना, आप टेंशन मत लो, और नहीं आओगे तो सभी लोगों पे मुकदमा लिख जाएगा, तुम लोग सभी पूरा गांव ही परेशान हो जाएगा। समूह का 28,000 रुपये लिया था 7 साल पहले एक व्यक्ति ने सभी पैसे 2 ही साल के अंदर अदा कर दिया। अब वो कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज दो, ब्याज का ब्याज दो, और नहीं दोगे मुकदमा लग जाएगा, घर की कुल्की हो जाएगी। जी समूह तो घर घर दे के आए थे, एजेंट लोग घर घर दे के आए थे, अब एजेंट लोग बदल बदल के आ रहे हैं। रिठौरा चौकी इंचार्ज सुजीत सिंह वो भी आ रहे हैं, वो धमका रहे हैं, दरवाजों में किवाड़ों में लाते मार रहे हैं समूह वाले लोग, बहुत हलचल गुप्लापुर के अंदर मची हुई है। पैसा जमा हो चुका सर? पैसा जमा 2 ही साल में लिमिट थी, 2 साल में पैसा जमा करना, 2 साल हो गए, 7 साल में कोई रसीद नहीं दी उनने 2 साल के अंदर, सभी पैसा बेकार लिखा पड़त के। इंस्पेक्टर के आदेश के बावजूद जो है खुशनुमा, क्या मामला? हमने 28,000 रुपए लिए थे समूह के नोटबंदी से पहले, फिर हम किस्तों में 1610 रुपए जमा करते रहे, अर्जेंट आते थे ले जाते थे। अब वो लोग 2 साल हो गई, हमने कि हमारा फाइनल हो गया पैसा, वो बोले आपको रसीद मिल जाएगी, कोई रसीद नहीं दी, कोई सबूत नहीं, और ना अपना पता बता, जो कहते हैं जनलक्ष्मी से आए हैं। अब हमने सब रुपया तो अपना दे दिया, अब ये कह रहे हैं 6 साल के बाद आए, कह रहे हैं आप 40,000 सूद समेत और जो है वो पैसा जमा करो। अब हम कहाँ से करें जब हम दे चुके हैं पैसा, हमारे पास कोई सबूत नहीं, इसलिए वो हमें धमका रहे हैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा, थाना पुलिस ले जाएगी तुम्हें उठा के। इसलिए थाने का नाम बताना कहाँ, अब यही समस्या है हमारी, गुप्लापुर हाफिजगंज चौक। हाँ यार बकवास करते हो, तो आप 600 दे जाओ, चार बार दारू पीटी के आ रहे हैं और चौकी इंचार्ज और रफ्तार चुनने लग जाते हैं फिर थाना। हाँ है मामला, मामला ये है 7 साल पहले इन लोगों ने समय का पैसा लिया था, पीछे वाले भी वो जमा कर चुके, 2 साल में सब कुछ जमा कर दिया, 28,000 रुपया दिया, अब वो कह रहे हैं ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जो रात में